श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय। आप सुन रहे हैं शिव पुराण श्री रुद्र संहिता पंचम खंड के 56वें अध्याय से 59वें अध्याय तक। आप सुनेंगे इस एपिसोड में बाणासुर को गणपद की प्राप्ति, गजासुर की तपस्या एवं वध, दुंदुभि निहराद का वध, विदल और उत्पल नामक दैत्यों का वध। श्री रुद्र संहिता पंचम खंड 56वां अध्याय, बाणासुर को गणपद की प्राप्ति। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि व्यास जी, जब भगवान शिव बाणासुर और श्री कृष्ण में मित्रता करवाकर वहां से अंतर्धान हो गए, तब बाणासुर ने श्री कृष्ण के साथ आदरपूर्वक अपनी पुत्री व दामाद को विदा कर दिया। इस प्रकार जब वे चले गए, तब अकेले में बैठकर बाणासुर ने अपने आचरण के विषय में बहुत सोचा और उसे अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप हुआ। तब वह सीधा अपने पूजा गृह में चला गया और वहां जाकर भगवान शिव के देवालय के सामने बैठकर रोने लगा। फिर उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी विधि विधान सहित स्तुति करनी आरंभ कर दी। दैत्यराज बाणासुर ने अनेकों मंत्रों एवं स्तोत्रों द्वारा अपने आराध्य भगवान शिव की स्तुति की। तत्पश्चात भगवान शिव को प्रणाम करके बाणासुर ने तांडव नृत्य करना आरंभ कर दिया। अनेक प्रकार से ठुमका लगाकर और मुंह से बाजा बजाकर वह नृत्य करने लगा। उसके चेहरे के हाव भाव और हाथों की विभिन्न मुद्राएं उसके नृत्य को और प्रभावशाली बना रहे थे। उसने अनेकों प्रकार के नृत्य किए, साथ ही अपने शरीर की रक्त धाराओं से वहां की भूमि को भी भिगो दिया। इस प्रकार दैत्यराज बाणासुर की भक्ति भावना और घोर आराधना देखकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन देने के लिए वहां प्रकट हुए। भगवान शिव को इस प्रकार अपने सामने पाकर दैत्येंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अनेकों प्रकार से उनकी स्तुति करने लगा, जिसे सुनकर भगवान शिव बोले, हे दैत्यराज बाणासुर, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूं। जो मांगना चाहते हो मांग लो, मैं तुम्हें आज तुम्हारी मनोवांछित वस्तु प्रदान करूंगा। भगवान शिव द्वारा वरदान मांगने के लिए कहे जाने पर बाणासुर बोला, हे देवाधिदेव भगवान शिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपना कृपा पात्र बनाइए। भगवान, मेरी पुत्री उषा और अनिरुद्ध का पुत्र ही मेरे शोणितपुर का राज्य संभाले। मेरा भगवान विष्णु से वैरभाव मिट जाए, मेरे अंदर व्याप्त रजोगुण और तमोगुण का नाश हो जाए और पुनः दैत्य भाव उत्पन्न न हो। मुझे सभी शिव भक्तों से स्नेह हो, मुझे आपके गणनायकत्व की प्राप्ति हो। इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान शिव बोले, तथास्तु, बाणासुर, तुम्हें निश्चय ही मेरे गणनायक पद की प्राप्ति होगी। तुम्हारी सभी इच्छाएं अवश्य ही पूरी होंगी। यह कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्धान हो गए। शिवजी के प्रसाद से बाणासुर ने महाकाल तत्व प्राप्त किया, जिसे पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। श्री रुद्र संहिता पंचम खंड 57वां अध्याय, गजासुर की तपस्या एवं वध। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको भगवान शशिमौली द्वारा दानवराज गजासुर के सहार की कथा सुनाता हूं। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब गजासुर को यह पता चला कि देवताओं के हितों की रक्षा करने के लिए उसके पिता महिषासुर का वध कर दिया गया है, तब उसे देवताओं पर बड़ा क्रोध आया। तब गजासुर ने देवताओं से इसका बदला लेने के लिए घोर तपस्या करनी आरंभ कर दी। काफी समय तक गजासुर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु तप करता रहा, परंतु ब्रह्मा जी वहां प्रकट नहीं हुए। इधर दूसरी ओर उसके तप की ज्वाला धधकती जा रही थी, जिससे देवता चिंतित हो उठे। गजासुर की तपस्या से दग्ध होकर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें गजासुर की तप की अग्नि से जलने की बात बताई। तब ब्रह्मा जी गजासुर को वरदान देने के लिए गए। गजासुर ने ब्रह्मा जी की स्तुति कर उनसे महाबली और अजेय होने का वरदान प्राप्त किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उसे वर देकर वहां से अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी से अपना मनचाहा वरदान पाकर गजासुर प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को आ गया। वरदान पाकर वह गर्वित महसूस कर रहा था। उसने चारों दिशाओं में अपने राज्य का विस्तार करना आरंभ कर दिया था। उसने तीनों लोकों सहित देवता, असुरों, मनुष्यों और इंद्रादि तथा सब गंधर्वों को जीतकर उनके तेज का हरण कर लिया। उसने सभी को बहुत परेशान किया। पृथ्वी पर रहने वाले सभी ऋषि मुनियों,
तपस्वियों, साधु संतों और ब्राह्मणों को गजासुर दुख देने लगा तथा उनके कार्यों में बाधा डालने लगा। इस प्रकार गजासुर अपना राज्य फैलाता जा रहा था। एक बार वह भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी में जाकर वहां सबको सताने लगा। तब सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे भक्तवत्सल, हे कृपा निधान, उस गजासुर नामक दैत्य से हमारी रक्षा करें। देवताओं की प्रार्थना मानकर भगवान शिव सबकी रक्षार्थ अपना त्रिशूल लेकर गजासुर का वध करने के लिए पहुंचे। तब भगवान शिव और दैत्यराज गजासुर में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। वह तलवार लेकर शिवजी पर झपटा। शिवजी त्रिशूल द्वारा उस पर प्रहार करने लगे। अंत में देवाधिदेव भगवान शिव ने त्रिशूल का वार किया और उसे त्रिशूल के सहारे ऊपर उठा लिया। इस प्रकार जब त्रिशूल ने उसके शरीर को भेद दिया तब अपना अंतिम समय निकट जानकर दैत्यराज गजासुर भगवान शिव की आराधना करने लगा और शिवजी को प्रसन्न करने हेतु उनकी स्तुति करने लगा। गजासुर बोला, हे महादेव, हे कल्याणकारी, हे भक्तवत्सल, आप तो सबके ईश्वर हैं, देवों के देव महादेव हैं। आप सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और सदा भक्तों के अधीन रहते हैं। आप सबका कल्याण करने वाले तथा सबके कष्टों का निवारण करने वाले हैं। आप निर्गुण निराकार हैं। सब शरणागतों की रक्षा कर आप उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। ऐसे देवाधिदेव भगवान महादेव शिव को मैं प्रणाम करता हूं। प्रभो, मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। दैत्यराज गजासुर की भक्ति भावना से की हुई उत्तम प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव को बहुत प्रसन्नता हुई। वे बोले, दैत्येंद्र, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। जो चाहो मांग सकते हो। तुम्हारी मनोकामना मैं अवश्य पूरी करूंगा। भगवान शिव के वचनों को सुनकर गजासुर प्रसन्नतापूर्वक बोला, हे देवाधिदेव भक्तवत्सल भगवान शिव, यदि आप सच में मेरी आराधना से प्रसन्न हुए हैं तो मेरी विनती स्वीकार करें। प्रभु, आपने अपने पवित्र त्रिशूल से मेरे शरीर को स्पर्श किया है, इसलिए मैं यह चाहता हूं कि मेरे शरीर का चर्म आप धारण करें। भगवान, आप सदा मेरी खाल का ही ओढ़ना धारण करें और आज से आप कृतिवासा नाम से विख्यात हो। भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक दैत्यराज गजासुर को उसका इच्छित वरदान प्रदान किया और बोले, हे गजासुर, तुम्हारे शरीर को आज मेरी प्रिय काशी नगरी में मुक्ति मिलेगी। तुम्हारा शरीर यहाँ मेरे ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होगा और कृतिवासेश्वर नाम से जग प्रसिद्ध होगा। इसके दर्शनों से मनुष्यों को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कहकर भगवान शिव ने गजासुर के शरीर की चर्म को ओढ़ लिया और कृतिवासेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, जिसके फलस्वरूप वहां काशी में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। सब देवता बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात भगवान शिव वहां से अंतर्धान हो गए। श्री रुद्र संहिता पंचम खंड 58वां अध्याय दुंदुभि निहिरात का वध। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको भगवान शिव द्वारा दुंदुभि निहिरात नामक दैत्य के वध की कथा बताता हूं। जब भगवान श्री हरि विष्णु ने महाबली हिरण्याक्ष का वध किया तब हिरण्याक्ष की माता दिति को बहुत दुख हुआ। तब देवताओं के घोर शत्रु दुंदुभि निहिरात ने दिति को अपने साथ मिला लिया और उनसे कहा कि देवताओं की ताकत को तभी कम किया जा सकता है जब उनकी पूजा करने वाले ब्राह्मणों को नष्ट कर दिया जाए। जब ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तब यज्ञ नहीं होंगे और जब यज्ञ नहीं होंगे तब देवताओं को भोजन नहीं मिलेगा तथा इस कारण वे निर्बल हो जाएंगे। यह विचार मन में करके वह दुष्ट फिर विचार करने लगा और तपस्या करने वाले ब्राह्मणों की खोज करने लगा। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि काशी नगरी ब्राह्मणों की भूमि है, इसलिए सर्वप्रथम हमें वहीं से अपना कार्य आरंभ करना चाहिए। वह दुंदुभि निहिरात नामक दैत्य कुशा और समिधा लेने जाने वाले ब्राह्मणों को मारने लगा। वह नदियों और तालाबों में जलजीव बनकर छिप जाता तथा वहां स्नान करने आए साधुओं और तपस्वियों को वहीं मार देता तथा वनों में वनचर बनकर ब्राह्मणों का वध कर देता। रात में बाघ का रूप धारण करके वह ब्राह्मणों को खाने लगा। दिन में वह मुनियों की तरह ध्यान लगाकर मुनियों के बीच बैठ जाता। इस प्रकार उस दुष्ट राक्षस ने बहुत सारे ब्राह्मणों का वध कर दिया। एक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का एक भक्त देवालय में बैठकर भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात ध्यान कर रहा था।
निहराद ने जब इस प्रकार उसे अकेला देखा तो बाघ का रूप धारण कर उसे खाने के लिए आगे बढ़ा, परंतु उसने पहले ही अपने चारों ओर शिव मंत्र रूपी कवच धारण किया हुआ था, इसलिए वह उस शिव भक्त को खा नहीं सका। इधर भक्त वत्सल भगवान शिव ने अपने भक्त पर आए उस संकट को जान लिया व उसकी रक्षा के लिए शिवलिंग से प्रकट गए, और जैसे ही दुंदुभि निहराद दोबारा बाघ रूप में उस ब्राह्मण पर झपटा, भगवान शिव ने उसे धर दबोचा। फिर उसे अपने बगल में दबाकर उन्होंने उसके सिर पर मुक्के से प्रहार किया। उस दैत्य की भयानक चिंघाड़ से पूरा आकाश गूंज उठा, जिसे सुनकर आसपास जो भी ब्राह्मण और तपस्वी थे तुरंत उस स्थान की ओर दौड़े और वहां का अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। भगवान शिव ने उस दुंदुभि निहराद नामक असुर को अपनी बगल में दबा रखा था। यह देखकर सभी ब्राह्मण और भक्तजन हाथ जोड़कर भगवान शिव की आराधना करने लगे। तब उनकी भक्ति भावना से की गई आराधना को सुनकर भगवान शिव बोले, हे मेरे प्रिय भक्तों, जो मनुष्य यहाँ आकर श्रद्धा भाव से मेरे स्वरूप का दर्शन करेगा, मैं उसके सभी कष्टों और दुखों का नाश कर दूंगा। मेरे इस लिंग का स्मरण करने के पश्चात आरंभ किए गए हर कार्य में मनुष्यों को सफलता मिलेगी। इस संसार में जो भी मनुष्य व्याघ्रेश्वर नामक उत्तम शिवलिंग के प्राकट्य के इस उत्तम चरित्र को स्वच्छ निर्मल मन एवं श्रद्धा भाव से सुनेगा, सुनाएगा, पढ़ेगा या पढ़ाएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी तथा उसके समस्त दुखों और कष्टों का नाश होगा। अंत में उस मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान शिव की उत्तम लीला से संबंधित यह कथा स्वर्ग यश और आयु प्रदान करने वाली तथा वंश वृद्धि करने वाली है। श्री रुद्र संहिता पंचम खंड 59वां अध्याय, विदल और उत्पल नामक दैत्यों का वध। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि वेद व्यास जी, अब मैं आपको विदल और उत्पल नामक दो महादैत्यों के विनाश की कथा सुनाता हूँ। विदल और उत्पल दैत्यों ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके उनसे किसी भी पुरुष के हाथों से न मरने का वरदान प्राप्त कर लिया था। यह वरदान पाकर वे दोनों दैत्य अपने को महावीर, बलवान और पराक्रमी समझने लगे थे। तब उन्हें अपने पर बड़ा अभिमान हो गया और उन्होंने अपने बल से सारे ब्रह्मांड को जीतकर अपने वश में कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने सब देवताओं को भी युद्ध में परास्त कर दिया और उनके स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। सब देवताओं ने ब्रह्माजी को अपनी व्यथा सुनाई। तब ब्रह्माजी ने उन्हें आश्वासन दिया और समझाया कि आप देवी पार्वती सहित भगवान शिव की आराधना करें, वे ही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। आप सब उन्हीं की शरण में जाएं। भगवान भक्त वत्सल हैं, वे निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे। तब ब्रह्माजी की आज्ञा मानकर देवता शिव शिवा की जय जयकार करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद भगवान शिव की इच्छा से प्रेरित होकर विदल और उत्पल नामक दैत्यों के पास गए और वहां उन्होंने उन महादैत्यों से देवी पार्वती के रूप सौंदर्य की बहुत प्रशंसा की। उनके रूप की प्रशंसा सुनकर दैत्य काम से पीड़ित हो गए। उन्होंने अपने मन में देवी पार्वती का हरण करने के बारे में सोचा। इस बुरी भावना को मन में लिए वे दैत्य पार्वती जी को देखने के लिए चल दिए। एक बार जब देवी पार्वती अपनी सहेलियों के साथ गेंद से खेल रही थीं, तब आकाश मार्ग से जाते समय उन दुराचारी दैत्यों की दृष्टि देवी पार्वती पर पड़ी। वे महादैत्य शिवगणों का रूप धारण करके उनके निकट पहुंचे। उनकी आंखों की चंचलता को देखकर भगवान शिव ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। उन्होंने अलौकिक रीति से देवी पार्वती को भी इस बात का ज्ञान करा दिया कि वे शिवगण नहीं, राक्षस हैं। अपने आराध्य पति सर्वज्ञ शिव की बातों को देवी पार्वती ने समझ लिया। महादैत्यों को उनकी करनी का फल चखाने के लिए देवी पार्वती ने सखियों के साथ खेलते खेलते इस प्रकार से गेंद घुमाकर मारी कि उसकी चोट से चक्कर खाकर विदल और उत्पल नामक दैत्य धरती पर इस प्रकार गिर पड़े जैसे तेज वायु के झोंके से पके हुए फल टपक कर धरती पर गिर जाते हैं, जिस प्रकार वज्र के प्रहार से बड़े बड़े शिखर पल में ढह जाते हैं, गिरते ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार उत्पल और विदल नामक महादैत्यों का वध करने के पश्चात वह गेंद ज्योतिर्लिंग के रूप में परिणत हो गई। दुष्टों का नाश करने वाला वह लिंग कंदुकेश्वर नाम से विख्यात हुआ। यह लिंग ज्येष्ठेश्वर के निकट स्थित है। काशी में स्थित कंदुकेश्वर ज्योतिर्लिंग दुष्टों का नाश करने वाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है तथा मनुष्यों की सारी मनोकामनाओं को पूरा करता है। इस अनुपम कथा को सुनने अथवा पढ़ने से भय और दुख दूर हो जाते हैं तथा सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में दिव्य गति की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर,
मैंने आपको समस्त मनोरथों को पूरा करने वाले रुद्र संहिता की युद्ध खंड को सुनाया। यह शिव जी को प्रिय है और भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला है। श्री रुद्र संहिता युद्ध खंड पंचम खंड संपूर्ण।